सीटेट 2021 का रिजल्ट आप सबने चेक कर लिया है। पास हुए सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं से भी आपने पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी नोट्स यूट्यूब, आप पास हैं। अगर आप पास हैं तो आप खुश रहें, है ना। ये मत सोचें कि हम 120 नंबर नहीं ला पाए, 110, इतनी तैयारी थी, इतने कम कैसे आए। अगर आप पास हैं तो खुश रहें, खुशियां शेयर करें, ठीक है। और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हाउसवाइफ है ना। और एक दो बच्चे, कुछ लोग ऐसे कमेंट किए कि हमारे फैमिली में सासू माँ हमें पढ़ने नहीं देती थी, और हमारे दो बेटे भी हैं या एक बच्चा भी है, इसके बावजूद भी हमने पढ़ करके पास किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, जो भी हो पाया 100% हमने दिया। और जो पास नहीं हो पाए वो डीमोटिवेट ना हो, ये कोई आखिरी एग्जाम थोड़ी है, है ना। गलतियां हो सकती हैं, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं, असफलता से ही तो हमारा सफलता का मार्ग खुलता है। कोई बात नहीं, एक दो नंबर कम रह गया, परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे डाउट क्या बन रहा है कि एससी एसटी ओबीसी जनरल कितने नंबर चाहिए, क्योंकि सीटेट की मार्कशीट जो आप चेक कर पा रहे हैं इसमें ये नहीं लिखा है कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ठीक है। रिवाइज्ड आंसर की रिजल्ट कब तक आएगा, आप फेल हुए क्यों हैं और अगला सीटेट कब हो सकता है। इसके अलावा हमने कहा था कि आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो भेजिएगा अपना रिजल्ट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत ज्यादा संख्या में मैसेज आ रहे हैं, 142 मैसेज अभी हैं, और कम से कम सुबह से हम, मतलब जब रिजल्ट आया उसके बाद से हम 250 मैसेज देख चुके हैं। तो जल्दी इसका वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वेट करिए इसके लिए। चैनल पे न्यू आए हैं, सीटेट की शुरुआत से तैयारी करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ऑन करके रखें। फिलहाल हम अभी आपके रिजल्ट नहीं दिखाने वाले हैं, अभी हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से आप कितने नंबर पास होते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट सिक्योरिंग 60%, यानी अगर आप जनरल में हैं, ठीक है, तो आप सीटेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, तो यहाँ पे जो आपको छूट मिलती है आरक्षण वो आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे इनके कितने नंबर, 127 नंबर है पेपर वन में, 27, 27, 26, 26, 21, तो ये क्या है, क्वालिफाइड है, यानी 90 जनरल के लिए 90 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी के लिए 82 अंक, 82 अंक अगर आपकी मार्कशीट में छपे हैं यहां पे, ठीक है, फाइनल में, तो आप पास हैं। और यहां पे परसेंटेज भी लिखा है, मैच कर ले, इतना तो आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपना रिजल्ट सही से चेक कर पाए। इसके अलावा जो लोग पूछ रहे थे कि विकलांग या दिव्यांग के लिए, तो यहां पे लिखा है कि जो भी आपको आरक्षण मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर 5% मिलता है तो 82 अंक पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बाकी के दो पॉइंट्स पे, जो आपने थंबनेल में देखे होंगे। थंबनेल में यह लिखा था कि रिजल्ट, रिवाइज्ड रिजल्ट, देखिए रिवाइज्ड रिजल्ट सीटेट का नहीं आता है, पिछले 2-3 सालों का जितना एक्सपीरियंस है हमें, रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आएगा। रिवाइज्ड आंसर की हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाए, या हो सकता है हो चुकी हो, लेकिन अब रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो उम्मीद मत लगाइएगा कि ऐसा कुछ होगा, सीटेट का काम बहुत ही साफ सुथरा है, ठीक है। वो आंसर की जारी करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उनको लगा होगा कि संशोधन होने लायक है, उस पर उन्होंने संशोधन कर दिया होगा। अगले सीटेट की बात करें तो फॉर्म मार्च में आ सकते हैं, और एग्जाम आपका जुलाई के दूसरे तीसरे वीक में कभी भी हो सकता है। रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी तो आप चेक कर लीजिएगा, रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आएगा। फेल होने के कारण है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा कारण क्या है, आपने पढ़ा बहुत कुछ है, घर पर प्रैक्टिस नहीं की पेपर, टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप फेल हो रहे हैं। तो निश्चिंत रहें, आप आगे की तैयारी करें, ठीक है। माना कि थोड़ा बहुत टेंशन तो होता ही इतना पढ़ने के बाद, तो अब की बार जो आपने गलती की है वो नेक्स्ट बार ना दोहराई जाए, ये कोशिश करिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए। इसकी मार्कशीट की अगर हम बात करें तो डिजी लॉकर नाम का एक ऐप होता है, गवर्नमेंट का ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर के आप उसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, वहां पे आप अपनी आईडी बनाएं, आधार कार्ड नंबर वगैरह आपसे मांगा जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इस पर देखते हैं कब तक ये आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है, वेट कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सीटेट पास करने के बाद आप ऑल इंडिया कहीं भी अगर कोई शिक्षक की वैकेंसी आती है, प्राथमिक वाला अगर आप पास है, प्राथमिक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते वो राज्य आपको अनुमति दे रहा हो कि अन्य स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास सुपर टेट और केवीएस DSSSB यानी दिल्ली स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के मौके खुले हैं, तो आप तैयारी करते रहें। सुपर टेट की हस्तलिखित नोट्स मंगवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और वेट करें, समय मिलते ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।